अजय मिश्रा की गिरफ्तारी कब? जी हां, ये सवाल बार बार किसानों की तरफ से उठाया जा रहा है। किसानों के अल्टीमेटम के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी ने लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने टेनी का विरोध करने का ऐलान किया था। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी पर तकरार शुरू हो गया है। दरअसल चीनी मिल के प्रस्तावित उद्घाटन का जिक्र करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर टेनी यानी कि अजय मिश्रा चीनी मिल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं तो उस चीनी मिल में कोई भी गन्ना नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि किसान गन्ना जिलाधिकारी के कार्यालय ले जाएंगे, चाहे फिर उन्हें कितना भी नुकसान क्यों ना हो। इससे पहले राकेश टिकैत ने सोमवार को भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी हिंसा में चार किसानों की मौत के मामले में गिरफ्तार करने की मांग की थी और उनकी तुलना एक आतंकवादी से की थी। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित किसान महापंचायत को भी संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर कश्मीर के आतंकवादियों को आगरा जेल में बंद किया जा सकता है तो किसानों का हत्यारा भी आतंकवादी है और उसे भी आगरा जेल जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों की तरफ से मोर्चा अभी खुला हुआ है, पूरी तरह से अजय मिश्रा के खिलाफ ये मोर्चा किसानों ने खुला हुआ है, वो कहीं भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान जिस तरह से अपनी 6 मांगों का पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, उसमें कहीं ना कहीं एक मुख्य मांग ये भी नजर आ रही है कि अजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो। जी हाँ, ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है अजय मिश्रा की गिरफ्तारी, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उसके बाद किसानों की जान गई थी। लगातार उन किसानों के लिए इंसाफ की मांग ये किसान करते नजर आ रहे हैं और राकेश टिकैत आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी को बहुत घेरा था और बार बार विपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया था कि अजय मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अजय मिश्रा को पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये तमाम मांगे जो हैं विपक्ष ने भी उठाई थी, किसान भी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर चुप्पी साधती हुई नजर आई थी। बीजेपी जब भी अजय मिश्रा की बात होती है तो कुछ भी बोलने से बचती नजर आती है, क्योंकि ना तो अभी तक अजय मिश्रा पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। हाँ, उनके बेटे पर कार्रवाई हुई है, वो जेल में बंद है, मामला जो है पूरा कोर्ट में चल रहा है और सुनवाई भी उस दौरान होती है कोर्ट में, तो ऐसे में उनके बेटे पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि अजय मिश्रा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लखीमपुर में 3 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उस समय अजय मिश्रा अपने बेटे के साथ वहां पर मौजूद थे, यानी कि आशीष मिश्रा के साथ अजय मिश्रा भी उस समय थे और किसानों का तब से ही लगातार किसान विरोध करते आ रहे हैं, चाहे बीजेपी की सरकार का हो या फिर सबसे ज्यादा अजय मिश्रा का हो। और इसीलिए अब आपको बता दें कि दरअसल लखीमपुर में एक चीनी मिल का उद्घाटन होना था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अजय मिश्रा ही वहां पर पहुंचने वाले थे। उससे पहले राकेश टिकैत ने ये बयान दिया, ये बातें कही कि अगर अजय मिश्रा वहां पर जाएंगे तो हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। तो राकेश टिकैत ने ये बड़ा ऐलान किया था और कहीं ना कहीं अजय मिश्रा के खिलाफ जो किसानों की तरफ से मोर्चा खुला हुआ है वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार किसान ये मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा की जो है उन्हें पद से हटाया जाए और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अजय किसानों का कहना है कि अगर अजय मिश्रा अपनी कुर्सी पर रहेंगे, अपने पद पर रहेंगे, तो कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरीके से होनी चाहिए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से यह ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अभी भी अपनी कई मांगों पर अड़े हुए हैं, जिन मांगों का पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और उसमें एक मुख्य मांग ये भी है कि अजय मिश्रा
पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लखीमपुर में जो कुछ हुआ किसानों की तरफ से उसका जिम्मेदार अजय मिश्रा को ही ठहराया जा रहा है, और इसीलिए लगातार किसान इस पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं कि अजय मिश्रा पर कार्रवाई हो। आशीष मिश्रा पर तो कार्रवाई की ही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी जिस तरह से आशीष मिश्रा पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें भरोसा किसानों को नहीं है। चलिए, किसान नेता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी मैडम। राजू जी, जिस तरह से जी जिस तरह से किसानों के साथ ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया मिश्रा द्वारा, रोड पर जाते हुए किसानों के ऊपर जो है उनके लोगों ने गाड़ी चलाई है, तो एक किस्म से क्रूरता को भी नरसंहार वाली बात है। इस तरह के अगर हमारे देश में और दो चार मंत्री या विधायक हो जाएंगे तो मेरा मानना है आम आदमी कहाँ जाएगा, किसके सामने अपनी बात। अगर आप अपनी बात कहना चाहोगे, आपके ऊपर गाड़ी चलाई जाएगी, गोली चलाई जाएगी, बरसात के बौछार कर जाएगी। लेकिन कार्रवाई तो की जा रही है ना राजू जी, कार्रवाई तो की जा रही है, फिर थोड़ा तो संयम रखिए ना। नहीं, कार्रवाई कहाँ की जा रही है एक बार बताइए। एक नॉर्मल आदमी, एक गरीब मजदूर, अगर गरीब मजदूर किसी का थप्पड़ मार जाए, उसका कान पुलिस आधे घंटे में उठा कर ले आओगी, उस पर 100 मुकदमे लगा देगी, 100 उसके चालान कर देंगे, फांसी चला देंगे। नॉर्मली ये जो आदमी है, इसने इतना बड़ा कुकृत्य किया, आज कितने टाइम हो गया, किसान जो है इसे किसानों की या इसके जिसके साथ इसने गलत किया, जिनके लोग मरे, जो किसान शहीद हुए, उसमें चोट लगी, क्या सरकार क्या ध्यान दे रही है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कब इसकी गिरफ्तारी होगी। आज जो है लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन राजू जी देखिए, वहाँ पर उनके बेटे आशीष मिश्रा मौजूद थे, उन पर तो कार्रवाई की जा रही है, उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। आशीष मिश्रा को भी ऐसे बताया जा रहा है कि वो मेहमान हो, उसके लिए चाय को भी इतनी देर में नहीं, मतलब ये बातें आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं खातिरदारी वहाँ पर हो रही है आशीष मिश्रा की? क्या आपने कोई ऐसी तस्वीरें देखी है वहाँ के आम लोगों के द्वारा जो है सोशल मीडिया पर सब अपडेट है, आप देख सकते हैं इस बात को जी। लेकिन तरीके से किसी भी, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर नॉर्मली ये आंदोलन चला था किसान और मजदूर देश के आम नागरिक का, ये जो राकेश टिकैत जी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, किसान तो लड़ाई लड़ रहा है, ये पूरे देश की लड़ाई है। लेकिन राजू जी, लेकिन देखिए, राकेश टिकैत तो पहले ये कहते थे ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले ले, हम अपने घर चले जाएंगे। अब वो भी कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिर मांगे क्यों रखी जा रही हैं? और मैडम एक बात बताइए, जिस मांग को मनवाने के लिए एक साल में हमारे 700-800 किसान शहीद हो चुके, उनकी शहादत गई, उनकी शहादत कौन देगा? कम से कम उनके घर परिवार को कुछ मुआवजा कुछ तो दिया जा कि भाई आपके जो लोग हैं इतने इसमें इतने दिन आंदोलन रहे, इन्हें जो है क्या ये शहादत दी गई इनकी? नहीं, कुछ नहीं। अरे सरकार सामना आवे, दूसरी बात ऐसे तो दुनिया कह रही कि किसान वो ये कानून रद्द किए गए, अरे संसद में पारित किया, लेकिन संसद में तो कभी देखिए, सत्र तो शुरू होने दीजिए, थोड़ा तो इंतजार कीजिए, क्या पता कुछ और अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए आप लोगों के लिए। आम लोगों ने, आम जनता ने नरेंद्र मोदी जी के बात पर बहुत विश्वास करके अंधे होकर नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया, उन्हें वोट किया, प्रधानमंत्री पद पर स्वीकार किया। आज प्रधानमंत्री किसान की तरफ से बेरुखे हो गए, एक साल हो गया आंदोलन करते हुए, राकेश टिकैत जी को भूख में प्यास में घर परिवार का हर बच्चा जुट चुका, एक एक जन आंदोलन बन गया, और प्रधानमंत्री जी एक बार इतने 800 किसान कई दो के बीच माने के लिए तैयार थी, ये क्या बात हुई आप ही बताइए मुझे। लेकिन राजू जी, ये आप जन आंदोलन बनने की बात कर रहे हैं, जन आंदोलन से ज्यादा तो राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। ये तो हमारे राजनीतिक नेताओं की सोच है, आप किसी भी आए जो है शहीद को आप उसे आतंकवादी घोषित करने के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं किस किस तरह की बात बनाएगी, इसके लिए आप भी बताइए, तो ये तो राजनीतिक स्टंट है, ये दिया गया है। नहीं, विपक्ष भी तो आपके इस आंदोलन की आड़ में अपना काम कर रहा है। विपक्ष कुछ नहीं है, जो बाबा टिकैत के पास आ रहे हैं किसान यूनियन के लिए पास आ रहे हैं, या राकेश जी के कार्यकर्ता है, उनकी बात मान्य होगी, सुनी जाएगी,
और राकेश जी पूरे देश के लिए आंदोलन करे, केवल अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन नहीं कर रहे मैडम जी। चलिए ठीक है राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में अभी भी किसानों की तरफ से मांग की जा रही है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार जो है वो किया जाए, पद से हटा दिया जाए, और इसीलिए तब तक किसान अड़े रहेंगे, अपनी मांगे रखते रहेंगे जब तक उनकी 6 जो मांगे हैं उस पर सरकार अमल नहीं करती है। लेकिन सरकार क्या कुछ अब करने वाली है आगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।